हाय फ्रेंड्स, मैं कोमल हूँ और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसालेदार अरबी की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम अरबी ली है, तो अरबी का पहले हम छिलका निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से सारी अरबी का छिलका निकाल लें, इसमें काफ़ी गंदगी होती है। तो जब हम इसे छील लेंगे उसके बाद हम इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से साफ़ करेंगे। तो इस छिलका निकाल लिया मैंने, ये देखिए। तो छीलते समय आप इसे अच्छे से छिलका इसका निकालें। अरबी हमारी तैयार है, अब हम इसे धो लेंगे 2 से 3 बार पानी से। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने ऑयल डाला, तो अभी हम अरबी को मैंने ये उबाला हुआ है, 2 सीटी आने तक उबाल के मैंने इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इससे यह आधी पक चुकी है, तो बाकी की जो आधी हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। तो इसे तेल में डाल दें और तेल में डालने के बाद हम इसे 2 मिनट पकाएंगे। तो जब आप अरबी को उबालेंगे तो इस ये जो है काफ़ी जल्दी पकेगी मसाले के साथ, इसीलिए उबालें इसे। 2 मिनट के बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अरबी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसे प्लेट में निकाला मैंने। अब हम गैस पे ये कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, उसी कढ़ाई में इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा के पक जाने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, ये 1 प्याज का मैंने पेस्ट डाला है। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें। जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होगी हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून पेस्ट डाला मैंने, इसे भी 1 से 2 सेकंड पका लें ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर होता है वो निकल जाए। 1 से 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1/4 टेबल स्पून हल्दी लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को पहले हम प्याज के साथ मिला लेंगे। गैस का फ्लेम इतनी समय लो कर दे। तो अभी मसाला हमारा ड्राई है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। मसाला हमारे जलने नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डाला मैंने, अब हम इसे एक बार मिला लेंगे। तो अब हम इसे ढक कर पकाएंगे ताकि ये जो मसाले हैं हमारे अच्छे से पक जाए और इसमें जो इसका जो है इसमें ऑयल आ जाए अच्छे से। तो अब हम इसे ढक देंगे और इसे 3 मिनट तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और चेक करेंगे कि मसाले देखिए हमारे पक चुके हैं, इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है। तो इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दें। इसे एक बार फिर से मिक्स किया मैंने। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, आपको जितना पसंद है। नमक डाला मैंने, नमक डाल के भी इसे एक बार मिला लें। मिलाया मैंने। अब जो हमने अरबी को फ्राई किया था, उबली हुई अरबी, उसे डाल देंगे। अरबी डालकर इसे अच्छे से मिला लें ताकि ये जो अरबी हमारी मसाले के साथ अच्छे से मिल जाए। अगर आपको इस टाइम पे थोड़ा सा पानी का यूज़ और करना है तो आप कर सकते हैं। इसका ढक्कन लगाया मैंने और 3 मिनट के लिए फिर से हम इसे पकाएंगे। 3 मिनट हो गया है, तो अब हम ढक्कन हटाएंगे। तो जो अरबी हमारी पक चुकी है, तो इस टाइम पे हम हरा धनिया डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डाला मैंने और इसे डाल के एक बार फिर से हम मिलाएंगे। मिलाया मैंने। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, क्योंकि हमारी अरबी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया, कितनी देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।